हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च सो आज है डे दे 216 डेली फार्म एम सी सीरीज़ का जिसमें हम डेली के 50 एम सी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ले जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से सो so, पहला क्वेश्चन है क्लोर प्रोमोजिन इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ तो so, क्लोरप्रोमोजिन किस कंडीशन की ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल रहता है ड्रग सो दिस ड्रग इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सचीज ऑफ फ्रेनिया सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया कंडीशन में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा सो दिस वन इज अ कंबिनेशन ड्रग विच इज ऑफ विन एंड पेडनीसलोन सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटेनिक एसिड लोअर्स डाउन तो निकोटेनिक एसिड जो है जो कि आपका एंटी हाइपोलिपिटमिक ड्रग भी होता है एंड ये आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को लो करता है सो so इसमें आपका ऑप्शन बी एज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डज़ फार्मोकोकाइनेटिक्स इंक्लूड फार्मोकोकाइनेटिक्स क्या इंक्लूड करता है फार्माकोकाइनेटिक्स में आपका ए डी एम ई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं अब डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म एंड एक्सक्रीशन एंड एक इसकी डेफिनेशन होती है कि हमारी बॉडी जो है वो ड्रग को क्या करती है व्हाट आर बॉडी डज टू द ड्रग सो ये आता है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स में यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अनवॉन्टेड इफेक्ट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेडिसिनल एजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन द ऑर्गेनिज्म तो ए डी एम ई में डी वाला पार्ट जो रहता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन तो ये आपका आएगा फार्माकोकाइनेटिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटिनिक रिसेप्टर इज सो निकोटिनिक रिसेप्टर जो है एक लीगन गेटेड केटाइन चैनल होता है सो so इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलोथेन इज यूज एज सो हेलोथेन का यूज क्या है सो इट इज यूज एज एन इनहेलेशनल एनेस्थीसिया सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिफ्रल न्यूराइटिस ऑफ आइसोनिया थेरेपी इन टीवर क्लासेस कैन बी प्रिवेंटेड बाई गिविंग तो आइसोनियाजेड थेरेपी जो ट्यूरो के लिए दी जाती है उस केस में पेरिफल न्यूराइटिस कंडीशन होती है एंड इस कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सकता है बाय गिविंग विटामिन बी सिक्स विद द आइसोनियाजेड नेट इज सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलिंग इज फुल ओपियोइड एक्निस्ट फुल ओपियोइड एगोनिस्ट इनमें से कौन सा ड्रग है सो दिस ड्रग इज मिथाडोन इट इज़ अ फुल ओपोइड एगोनिज ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम फॉलोइंग विच वन इज अ मस्ट सेल स्टेबिलाईजर ड्रग यूज इन अस्थमा इनमें से कौन सा एक मस्त सेल स्टेबिलाईजर ड्रग है जो कि अस्थमा कंडीशन में यूज किया जाता है सो दिस वन इज सोडियम क्रोमोग्लाइकेट सो ऑप्शन बी इज करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीमेनिक ड्रग एंटीमैनिक ड्रग इनमें से कौन सा ड्रग है सो एंटीमैनिक ड्रग में आपका लिथियम आ जाएगा सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ गावा पेंटीन गावा पेंटीन का यूज इनमें से कौन सा है सो गावा पेंटीन जो है इट इज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जेंथिन ऑक्सीडेज इनहीविटर्स का क्या यूज है सो दे आर यूज इन गाउट कंडीशन सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट इसमें आपका एलोपीरिनोल रखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल यूरिया इज द साइड इफेक्ट असोशिएटेड विद क्रिस्टल यूरिया साइड इफेक्ट जो है इट इज असोसिएटेड विद सल्फोनामाइट्स सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओप्योइड ओपियोइड एनर्जेसिक एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है सो so, मॉर्फिन जो है अ ओपिओइड एनर्जेस्टिक सो ऑप्शन ए इज करेक्ट बाकी ये आपके एंटागोनिस्ट होते हैं मॉर्फिन के नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ माओ इनहिबिटर यूज एज एंटी पार्किसोनिज्म ड्रग कौन सा माओ इनहिबिटर है जो कि आपका एज एन एंटी पार्किसन ड्रग की तरह यूज किया जाता है सो so, दिस

तो डेमोग्राफिक साइकिल में आपके पांच स्टेजेस रहते हैं जिसमें से लास्ट स्टेज आपका जो कि फिफ्थ स्टेज रहता है दैट इज अ डिक्लाइनिंग स्टेज सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरिक सब्सटेशन इन फार्मेसी गेन प्रोमिसेंस विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच पॉलिसी इन इंडिया जो जेनरिक मेडिसिन की सब्सटिटेशन का कॉन्सेप्ट था फार्मेसी में उसमें एक प्रोमिनेंस uh, आई किस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद में सो so, ये पॉलिसी थी आपकी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर विच इज डी पी सी ऑर्डर से भी इसे जाना जाता है सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डैश स्टेज डिक्लाइनिंग डेथ एंड कॉन्स्टेंट बर्थ रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेज सो कौन सा स्टेज है डेमोग्राफिक साइकिल का जिसमें डिक्लाइनिंग डेथ और कॉन्स्टेंट बर्थ रेट रहता है सो so, ये स्टेज आपका रहता है लो स्टेशनरी स्टेज सो इसमें आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन इंडिया द डिपार्टमेंट ऑफ़ फार्मास्यूटिकल साइंसेज वॉज एस्टैब्लिश एट विच यूनिवर्सिटी सो इंडिया का पहला फार्मेसी कॉलेज था कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ़ फार्मास्यूटिकल साइंसेज ये किस यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश हुआ था सो दिस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यू एच ओ डि हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एबसेंस ऑफ डिजीज इन फॉर्मिटी इन सो डब्ल्यू एच ओ ने हेल्थ की डेफिनेशन दी थी हेल्थ को डिफाइन किया था कि जिसमें आपकी कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग रहेगी ठीक है एंड डिजीज और इनफॉर्मिटी जो है वो एब्सेंट रहेगी ठीक है एंड ये डेफिनेशन कब दी गई थी किस ईयर में सो दिस डेफिनेशन वाज गिवन इन द ईयर 1948 सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वाज डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन सो इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो कब डिक्लेयर किया था तो इट वॉज डिक्लेयर इन द ईयर 1983 सो ऑप्शन बी इज करेक्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स दैट वाइन टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट नेचुरल फंक्शन आर कॉल सो वो ड्रग्स जो कि रिसेप्टर साइट पे वाइंड करते हैं एंड उसके नेचुरल फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं सो दीज ड्रग्स आर एंटागोनिस्टिक ड्रग सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हॉर्मोन इनमें से फीमेल सेक्स हॉर्मोन कौन सा है सो दिस वन इज एस्ट्रोजिन सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोक्वीन इज अ सो क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल रग है एंड इट कम्स अंडर फोर रोमाइनो क्यूनोलोन कैटेगरी सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनीटोल इज सो मैनीटोल क्या है सो मैनिटोल आपका डायूरेटिक रग है एंड किस कैटेगरी में आता है इट कम्स अंडर ऑस्मोटिक डायरेटिक, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज इन एलर्जिक कफ सो कौन सा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो कि एलर्जिक कफ में यूज किया जाता है सो दिस ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज मोन्टेलुकास्ट सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द सल्फोनामाइड यूज फॉर वर्न थेरेपी इज सो वर्न थेरेपी में कौन सा सल्फोनामाइड यूज़ होता है तो दिस वन इज़ सिल्वर सल्फर डाइजीन सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एमेंटाडीन इज द ड्रग यूज एज तो एमेंटाडीन ड्रग जो है ये आपका एज एन एंटी वायरल ड्रग की तरह यूज़ होता है एज वेल एज पार्किसन कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है तो so इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है अलोए बिलोंग्स टू फैमिली अलोए की फैमिली क्या है सो अलोए बिलोंग्स टू लीलिएसी फैमिली सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रू वर्व इज द पील्ड ड्राइड राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ सो रू वर्व जो है इसमें आपका पील्ड ड्राइड राइजोम्स एंड रूट्स पार्ट यूज होता है किस प्लांट का सो दिस वन इज़ रियम पेलमेटम सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रूवर बिलोंग्स टू डैश फैमिली रूवर की फैमिली क्या है बायोलॉजिकल सोर्स हमने देख लिया इट इज़ और रियम पेलमेटम एंड फैमिली इसकी रहती है पोलीगोनीसी सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ वेजिटेबल ऑयल हैविंग एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ सो इनमें से कौन सा एक वेजिटेबल ऑयल है जिसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं सो दिस वेजिटेबल ऑयल इज कैस्टर ऑयल सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्टर ऑयल इज ऑप्टेन बाय कोल्ड एक्सप्रेशन फ्राम द सीड्स ऑफ सो कैस्टर ऑयल जो है ये आपका ऑप्टेन होता है बाय कोल्ड एक्सप्रेशन फ्राम द सीड्स ऑफ रेसिनस कॉमिनीस सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्टर ऑयल बिलोंग्स टू डैश फैमिली कैस्टर ऑयल की फैमिली जो है वो क्या है ंग्स टू यू फॉर बी एस सी फैमिली सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, है ये आपका कहलाता है ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इसब गुला बिलोंग्स टू तो डैश फैमिली इसब गुला की फैमिली क्या है सो इट बिलोंग्स टू प्लांटाजीनिय फैमिली सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना इज द ड्राइड लीफलेट्स ऑफ तो सेना में ड्राइड लीफलेट्स पार्ट यूज होते हैं ऑफ कैशिया एंगस्टीफोलिया सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर इज तो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक रियपटेक ये कैटेगरी आपकी आती है एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में एंड इसमें ड्रग आता है आपका फ्लूब सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट

माइग्रेन की कंडीशन में यूजफुल रहता है सो दिस ड्रग इज सुमाट्रिप्टन सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन इज। एट्रोपिन का एंटीडॉट क्या है सो द एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन इज फिजोस्टिगमिन सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग इज ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का एंटीडोट रहता है प्रेलीडॉक्सिम, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन ऑफ डी ट्यूबो इज डी ट्यूबो का एक्शन क्या है सो so, ये आपका निकोटेनिक रिसेप्टर का कंपिटेटिव ब्लॉकर है सो इट इज अ कंपिटेटिव ब्लॉकेड ऑफ निकोटेनिक रिसेप्टर सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एजेंट यूज इन प्रेजमेंटल इंजीना हैज स्पासमोलाइटिक एक्शन विच इंक्रीज कोरोनरी ब्लड सप्लाई एज सो कौन सा ऐसा एजेंट या ड्रग है जो कि प्रिंजमेंटल एंजीना में यूज किया जाता है जिसकी स्पासमोलाइटिक एक्शन भी होता है एंड यह आपका कोरोनरी ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देता है सो दिस ड्रग इज नाइट्रोगलेसट्रीन सो ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एमेंटाडीन एज यूज इन क्लिनिकल सेटिंग एज तो so, एमेंटाडीन जो है ये आपका यूज़ होता है क्लिनिकल सेटिंग में एज एन बोथ एंटी पार्किसन ड्रग एंड एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया इन प्रेगनेंसी इज सो प्रेगनेंसी के दौरान एंटी मलेरियल ड्रग कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा सो दिस ड्रग इज़ क्लोरोक्विन सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकोलाइटिक्स आर ड्रग्स विच आर यूज फॉर टोकोलाइटिक ड्रग्स जो हैं ये आपके यूटराइन रिलेक्सेंट ड्रग्स होते हैं सो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटक लेप्टिन इज सो सीटक लेप्टिन क्या है इट इज़ अपोग्लाइसिमिक ड्रग एंड किस कैटेगरी में आता है सो इट इज़ डी पी पी फोर इनहीविटर डाई पेप्टिडिल पेप्टिडेज फोर इनिवेटर सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलफ्रिन इज एब्सोल्यूटली इंडिकेटेड इन तो वॉलफ्रिन को कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट सो इसी के साथ में हमारे फिफ्टी एम सी के क्वेश्चन कम्प्लीट होते हैं पी डी एफ आपको डाउनलोड करनी है तो पी डी एफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप पी डी एफ को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक जो है वो आपका एक्टिव रहेगा अप टू सेवन डेज सो आप जल्दी जल्दी वीडियो को देख के पी को डाउनलोड कर लें सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच